अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम आए हैं इधर पसरू रोड पे। पसरू रोड जो है वो लिंक करती है गुजरांवाला और पसरूर को, और अभी मोटरवे इधर एक बन रही है। मोटरवे पे एक इंटरचेंज बनने जा रहा है, और मोटरवे वो कौन सी बनने जा रही है, ये है जनाब सियालकोट से लाहौर तक। तो अभी एक इंटरचेंज आपको दिखाएंगे और देखते हैं कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और क्योंकि ये मेरे गांव के करीब है, मैं गांव आया हूँ, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा आवाम को होने जा रहा है। इमरान भट्ट हमारे साथ हैं, तो अभी आप ये रोड देखें, अभी हम रोड वगैरह आपको दिखाते हैं, फिर आपको डिटेल से इसमें सारी चीज़ें बताएँगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये जी इंटरचेंज पे टोल प्लाजा है, और ये टोल प्लाजा तकरीबन 100 मीटर दूर है हमसे। इधर बनेंगे एक इंटरचेंज। चल्ली वाले ये कौन है जी? ये नारियल वाला है जी। ये नारियल वाले हैं, और इन्होंने अभी से इधर से अपने बिजनेस का आगाज दिया, और ये है नारियल वाला, ठीक है। और ये जो सामने टोल प्लाजा है ना कामत भाई, ये लाहौर जाने वालों के लिए है, ठीक है। नारियल पसंद है? नारियल पसंद भी है, और नारियल के फायदे भी बड़े हैं। खाना है? नहीं खाना तो नहीं है अभी, अभी जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें पहले। तकरीबन 50 या 40 मीटर से भी कम रह गया ये टोल प्लाजा, और ये टोल प्लाजा जो है इससे हम लाहौर पसरू रोड से लिंक करता है, और ये लाहौर जाने के लिए यहाँ से हम जो है ना वो जाएंगे। और अगर सियालकोट जाना हो तो फिर वो दूसरी तरफ, वो भी आपको बताएंगे, वो दूसरी तरफ से आपको एंटर होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज गांव से जनाब हमारा जो है ना आखिरी दिन था, तो निकल पड़े हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो अभी गांव का ये जो थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता है, कोई 2 किलोमीटर के करीब है, तो अभी हमने टच करना है सियालकोट टू लाहौर मोटरवे जो है उस पर हमने जाना है, और उधर से हमने निकलना है आगे फिर वज़ीराबाद की तरफ। तो बडाला से समड़ेयाल तक ये रोड हमें लेके जाएगी मोटरवे वाली, तो आपको मोटरवे भी दिखानी है, मोटरवे किस तरह की है और इसका सफ़र किस तरह का है। और बडाला सिंधवा के बिल्कुल हमने इधर इंटरचेंज है, इधर से हमने एंट्री मारनी है। तो अभी हम गांव से निकले ही हैं और बडाला सिंधवा के करीब पहुँच चुके हैं, तो आगे चल के आपको दिखाते हैं रास्ता उसका भी, मोटरवे का भी, ठीक है। ये जी जनाब हम आगे हैं बडाला की इंटरचेंज, बडाला संधवा की जो इंटरचेंज है उससे हम एंट्री मार दी हमने, और हम जाने लगे हैं अभी सियालकोट की तरफ। तो दिखाते हैं आपको साथ साथ मोटर पे, और बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है। मैं इस पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया था। ब्लॉग मैंने बनाया लेकिन छोटे 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 पीसेस, वो सारे आपको दिखाऊँगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई ये इस मोटर पे का भी, साथ हरियाली और फसलें कटी हुई हैं, और इसके अलावा धान की पनीरी कहीं कहीं लगी नज़र आ रही है। अभी इसका फ़ायदा यह है कि हम पहले गुजरांवाला जाते थे, और इधर से बडाला संधवा से गुजरांवाला जो कि 20-25 किलोमीटर है, और उसमें हमें जाने में तकरीबन घंटा लग जाता था। तो वो घंटे का सफ़र जो है ना उसमें अब हम लोग वज़ीराबाद पहुंच जाते हैं, और वज़ीराबाद हम अगर पहुंचते हैं तो इसका मतलब हमने घंटे का जो सफ़र है वो बचा लिया। काफ़ी अच्छी जो है ना इसकी हमें, और इसमें एक और चीज़ भी बता दूँ कि फ्यूल की बचत भी होगी आपको जब आप इधर से आएंगे। तो
ये इस्लामाबाद से हम इस्लामाबाद को हम इधर से टच कर सकते हैं। वजीराबाद जब हम जाएंगे तो वजीराबाद जीटी रोड पे हमने जाना है, पहले हमने समड़ियाल जाना है, फिर हमने जनाब उधर से वजीराबाद जाएंगे समड़ियाल से। उसमें रोड ज़रा थोड़ी होगी, कह लें कि उसमें मुश्किल होगी हमें गाड़ी चलाने में, लेकिन ये है कि पहले वाले रास्ते से ये वाला रास्ता हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये कार्ड है और ये हमने पैसे देने हैं और ये तकरीबन 60 रुपए लेते हैं इसके। ये टोल प्लाजा उधर बना देना, जान दे भाई, जान दे भाई, जान दे भाई। 60 रुपीज़ हमारा टोल टैक्स है जो अभी हमने दिया और 40 रुपये इन्होंने वापस कर दिए हैं। तो गुजरांवाला केले वडाला संधवा से हमें इधर आने तक जो है वो 60 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये अभी हाथों को सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है क्योंकि हमने ये चीज़ें ली हैं। तो ये लें, अभी हम निकल गए समड़ियाल वाली रोड को टच करेंगे और उधर से हम चले जाएंगे सीधा वजीराबाद। तो काफी अच्छा सफर है, बड़ी जबरदस्त रोड है। ये लें जी, ये जनाब हम समड़ियाल की जो रोड है उसको अभी टच करने लगे हैं। मोटरवे हो गई है खत्म, ये आ गई है समड़ियाल की रोड। ये भी काफी अच्छी रोड है, बहुत जबरदस्त रोड है। देखिए हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। आगे से वो एयरपोर्ट को जाने के लिए साइन ही नंबर आया हुआ है, सियालकोट एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो इस साइड पे है। तो आपको जगह जगह इसके वो साइन बोर्ड वगैरह मिलेंगे जब इस रोड पे जाएंगे। और मोटरवे को बनाने का मकसद यही था कि अगर सियालकोट को टच करें साथ एयरपोर्ट को भी जाने का रास्ता हो, तो दोनों मकसद हल होंगे। सिटी है इस्लामाबाद की, सॉरी सियालकोट की। इधर से जनाब हम एयरपोर्ट वाली साइड पे जा सकते हैं अगर एयरपोर्ट पे जाना हो, लेकिन हमने जाना वजीराबाद। वजीराबाद से हमने करना जीटी रोड को टच। ये अब हम मेन वजीराबाद की रोड की तरफ जाने लगे और समड़ियाल का ये बाजार है, समड़ियाल शहर पे हम इस वक्त मौजूद हैं और जा रहे हैं वजीराबाद शहर की तरफ। हाँ जी, ये हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद।
अहमदाबाद, पता चल रहा होगा आपको इसकी ग्रीनरी देख के। अभी थोड़ा सा इस्लामाबाद से पीछे रावलपिंडी के करीब करीब है, लेकिन इस्लामाबाद की बात भी शुरू हो चुकी है। ये हाईवे हमें उधर ही कनेक्ट करेगा इस्लामाबाद, अभी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है फैजाबाग के करीब। ये पहाड़ है और ऐसा लग रहा है जैसे इस पे बर्फ आई हुई है, ये ऊपर बर्फ है, सफेद बादल। ये स्पीड लिमिट हालांकि 80 है और देखें हम कितने पे हैं, हम 70 पे। वाह, कितना रूल को फॉलो करते हैं हम। शेखर बढ़िया राइट साइड पे है, इधर से मॉन्यूमेंट नजर आएगा, 0 पॉइंट आए लगाए अगर इधर से मॉन्यूमेंट नजर आता है। नजर आता सेंटारस इस्लामाबाद की एक और पहचान, सेंटारस की 3 बिल्डिंग्स। अब वो है मॉन्यूमेंट, ये देखें इधर जिना एवेन्यू फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद थोड़ी थोड़ी नजर भी आ रही है। Interesting to talk, you know. Here they go. Islamabad, though.